अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश सिद्दीकी और मैं आपसे मुखातिब हूँ रेड बॉक्स के चैनल से। आज हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और उन लोगों के लिए है जो बेचारे किसी वजह से नागानी आफत में फंस जाते हैं। कराची में आजकल हमारी खस्ता हालत बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा गिर रही हैं, जिसका अफेक्ट डायरेक्ट हमारे उन लोगों को पड़ता है जो वहाँ के रिहायशी हैं। उन लोगों का अक्सर सवाल ये होता है कि अगर ऐसी बिल्डिंग्स गिर जाएं तो उनका कौन पुरसाने हाल होगा? क्या गवर्नमेंट उनको पैसा देगी? क्या आपको कोई वो बिल्डर उनको पूरा आप रिफंड करके देगा? तो इसका प्रोसीजर इस तरह होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी की पूरी बिल्डिंग गिर जाती है, जैसे आजकल कोरंगी में हुआ, लियारी में हुआ, तो उसको फिर सिंध गवर्नमेंट उसके बिहाफ पे उनको घर प्रोवाइड करती है टेम्परेरी बेसिस पे, और वो डील करती है डेवलपर के साथ, और डेवलपर और गवर्नमेंट मिलके उन लोगों के लिए एक दूसरी इमारत तामीर करते हैं जिसमें उनको एक घर दिया जाता है, या तो उन लोगों के लिए एक अलग घर की जगह फराहम कर दी जाती है, या उनके लिए एक प्रॉपर पूरी बिल्डिंग बनाई जाती है जिसमें उन लोगों को जगह फराहम करना वो बिल्डर और गवर्नमेंट का काम होता है। और जब तक ये जगह उनको फराहम नहीं होती उस वक्त तक उनका गवर्नमेंट का काम होता है कि उनको एक ऐसा ऑल्टरनेटिव एक सही जगह पर दिया जाए। जैसे आपने अभी लास्ट टाइम भी देखा कि एक प्लेन का क्रैश होता है कराची के एयरपोर्ट के पास और बहुत सारे घर उसमें अफेक्ट होते हैं, तो उस सूरत है हाल में पूरी की पूरी जिम्मेदारी उस कंपनी की होती है जिसका प्लेन वहाँ पे किसी भी वजूहात की वजह से गिर जाता है और वो वाले घर तबाह हो जाते हैं, तो उसको पूरा का पूरा वो कंपनी बेयर करती है और उनको पूरा घर बना के देती है, उस दरमियान तक उनके लिए रिहाइश का इंतज़ाम करती है। अच्छा, ये जो मैं सारी बातें कर रहा हूँ ये मैं आपसे कर रहा हूँ बाय लॉस के हिसाब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता। लोग बेचारे हमारे रुल जाते हैं, लोगों को ये समझ में नहीं आता, उनकी जमा पूंजी पूरी बिखर जाती है, उनको ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती जिसके बिहाफ पे वो एक अपना घर दोबारा से बनाने का सोच सकें। अनफॉर्चुनेटली ऐसी चीज़ उनको किसी को नहीं दी जाती और ये जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है। अगर कोई ऐसा वाकया हो जाए तो हुकूमत को चाहिए कि इसकी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ताकि उन लोगों को, उनकी फैमिलीज़ को रिहाइश के लिए एक प्रॉपर जगह मिल सके। मज़ीद तफसीलात के लिए नीचे दिए गए नंबर पर डायल करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।